नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। आज मैं आप सबके साथ ये कहना चाहती हूँ कि संदीप सिंह का मैंने व्हाट्सएप चैट्स देखा जो पब्लिक डोमेन पर संदीप सिंह ने शेयर किया है वाया हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड संदीप सिंह हैज क्लैरिफाइड इट एंड पुट टू रेस्ट ऑल रूमर्स कि वो सुशांत की बहन के टच में थे एंड उनको एम्बुलेंस ड्राइवर को पेमेंट करनी थी, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन किया। 8,000 रुपए उन्होंने अपने आदमी के द्वारा एम्बुलेंस ड्राइवर को पे किए एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू द फैमिली, टू द सिस्टर जो वहां पर लोकली आई थी एंड शी डिड नॉट नो द प्रोसीजर्स दैट हैव टू बी डन बिकॉज उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी। फ्रॉम डेथ सर्टिफिकेट्स टू एवरीथिंग एल्स, सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड संदीप सिंह वॉज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग एंड उन्होंने अपने व्हाट्सअप चैट्स पब्लिक डोमेन पर डालकर अपने आप को क्लीन चिट दिया है एंड आई एक्चुअली सपोर्ट हिम नाउ बिकॉज संदीप सिंह को टारगेट किया जा रहा था। और मैंने भी अपने पहले के वीडियोज में कहा था कि एक शक की सुई आती है टुवर्ड्स संदीप सिंह बिकॉज ही वाज बिहेविंग एज एन ऑपर्चुनिस्ट बाय शेयरिंग हिज एंड अंकिताज पिक्चर्स जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, साउंडिंग वेरी प्रैक्टिकल बट मे बी ही इज दैट काइंड ऑफ मैन। मगर उसके रिलेशनशिप थे विद सुशांत सिंह राजपूत टिल 2018 इन उनके व्हाट्सएप, वो भी व्हाट्सएप चैट्स ऑफ संदीप सिंह एंड सुशांत सिंह राजपूत हैव बीन मेड पब्लिक बाय संदीप सिंह ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड साथ साथ में 2019 से जब वो नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक शूट करने के लिए बिजी हो गए तब वो टच में नहीं थे, बट ही वाज अ गुड फ्रेंड हु एक्चुअली वेंट एंड हेल्प द सिस्टर आउट विद द फॉर्मेलिटीज, टॉक टू द एम्बुलेंस ड्राइवर, पेड हिम एंड डिड ऑल दीज काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज। वो सुशांत सिंह राजपूत के बहन के हस्बैंड यानी उनके जीजा के साथ भी टच में थे। इनफैक्ट उन्होंने नितोपाल के बारे में सिस्टर को मैसेज करके बोला था कि नितोपाल जो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त है वो क्यों उनके बारे में गलत गलत बोल रहा है, मगर नितोपाल जो फैमिली का फ्रेंड है उसका संदीप सिंह के बारे में गलत बोलना ये वो सिस्टर को नहीं पता था जो लोकली बॉम्बे में रह रही थी और संदीप सिंह के संपर्क में थी। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दीस पॉलिटिक्स, ऑल आई वांट टू से इज दैट संदीप सिंह हैज कम क्लीन एंड आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। क्योंकि देखिए यहां पर सब लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई गई बाय द फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत जो जस्टिस चाहते थे फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मगर संदीप सिंह ने अपना यू नो क्लैरिफिकेशन देके अपने आप से शक का जो अपने उनके ऊपर जो शक का दायरा था उसको साफ कर दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। मगर उनकी फैमिली को बोलना चाहिए था क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर एक सिस्टर, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के अंदर एक सिस्टर वाज एक्चुअली इन टच विद संदीप सिंह, सो शी शुड हैव सेड दैट एक्सक्यूज मी मैं संदीप सिंह के टच में थी एंड ही हेल्प्ड मी आउट विद दिस 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 दिस। शी शुड हैव यू नो टेकन हिज साइड बिकॉज हम लोगों को तो सच पता नहीं था, हम लोग तो वहां पे ना प्रेजेंट थे ना हम लोग उनके दोस्त थे। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन विच इज ऑब्वियसली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आगे बात करते हैं कि इम्तियाज खत्री की एक कंपनी थी FA Constructions जहां से 800 करोड़ कैश को विड्रॉ किया गया था फ्रॉम द बैंक्स जहां पे FA Constructions का अकाउंट था एंड ये FA Constructions इज ओन्ड बाय खत्रीज, बट एज पर लॉट ऑफ यू नो सोशल मीडिया आउटलेट्स कहा जाता इट इज सपोज टू बी अ फ्रंट फॉर पवार्स फैमिली। इम्तियाज के जो फादर थे और ब्रदर दे वर कन्विक्टेड एंड जेल्ड फॉर 2 years और उनको रिलीज किया गया जब ये प्रेजेंट सरकार बनाई गई इन महाराष्ट्र। द प्रेजेंट सरकार इज ऑब्वियसली द एनसीपी शिवसेना सरकार। तो ये सरकार के बनते ही इम्तियाज खत्री के फादर और ब्रदर को जेल से बरी कर दिया गया। इम्तियाज खत्री ऑब्वियसली अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज अ फिल्म मेकर, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने कोई मराठी फिल्म हृदयांतर को भी शायद प्रोड्यूस किया है जो विक्रम फंडस ने डायरेक्ट करी है। व्हाट एवर सडन डन ही हैज कनेक्शंस इन द प्रेजेंट सरकार जो ऑब्वियसली महाराष्ट्र को रूल कर रही है एंड ही हैज कनेक्शंस इनसाइड बॉलीवुड एंड ही हैज दुबई कनेक्शंस एंड एवरीथिंग इज ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ यू नो सच्चाई कम्स आउट आफ्टर इंट्रोगेटिंग इम्तियाज खत्री। साथ साथ में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि रिया चक्रवर्ती को एनसीपी इंट्रोगेट कर रही है टू फाइंड आउट इफ she was only consuming drugs or was she a supplier of drugs, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा है कि कैसे उसका भाई एक drug peddler को लेके जाता था parties के अंदर। The drug peddler was Basit Parihar. He was a drug peddler or he was somebody else in disguise of being a drug peddler. और इनको parties में ले जाके he used to introduce him for trading of drugs and drugs were sold to customers at 5 times the buying price. तो अगर रिया चक्रवर्ती is proven guilty of actually doing
ट्रेड ऑफ सेलिंग ड्रग्स देन दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. इफ रिया चक्रवर्ती इज ओनली प्रूव्ड टू बी कंज्यूमिंग ड्रग्स देन दैट इज अ बेलेबल ऑफेंस विच ऑब्वियसली कैरीज सम 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद रिहैब यू नो कंफर्मेशन. बट इफ शी वॉज ट्रेडिंग इन ड्रग्स सेल देन इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड शी गोज बिहाइंड बार्स फॉर लॉन्ग. तो एनसीबी ऑब्वियसली ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार नहीं करता. एनसीबी इज नॉट लाइक राजस्थान की कांग्रेस सरकार जहां पर ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है फॉर अ मोतीलाल नेहरू वीडियो. वो ऑब्वियसली सबूतों के बेसिस पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करेंगे इफ दे थिंक दे आर रेडी विद द एविडेंसेस टू पुट हर बिहाइंड बार्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मगर रिया चक्रवर्ती का जो लॉयर है सतीश मनचंडे वो माइंड गेम खेल रहा था ये कह के कि रिया चक्रवर्ती ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया बिकॉज शी कंसिडर्स हरसेल्फ टू बी इनोसेंट ऑफ इनोसेंट एंड नॉट गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस दैट हैव बीन लेवीड अपॉन हर बाय द 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज. तो अब सब अपना गेम खेल रहे हैं बट वी एज भारतीय नागरिक पीपल हु वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत आर ऑब्वियसली वेटिंग फॉर द सीबीआई रिजल्ट्स फॉर द ईडी रिजल्ट्स एंड द एनसीबी रिजल्ट्स. ये कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कंगना रनावत को भी वाई ग्रेड वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है विच इज अ गुड थिंग बिकॉज उसको यू नो थ्रेटन किया जा रहा था बाय शिवसेना के लीडर्स जो ऑब्वियसली लीडर्स कम और गुंडों की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे थे. सो लेट हर गेट हर वाई लेवल सिक्योरिटी वाई प्लस सिक्योरिटी वॉट एवर द टर्म इज बिकॉज आई थिंक नोबडी कैन थ्रेटन एनीबडी एंड शी इज ऑब्वियसली एन एस्टैब्लिश्ड इंडियन एक्ट्रेस एज वेल एज अ प्रोमिनेंट इंडियन सिटीजन जिसको पद्मश्री के साथ साथ नेशनल अवार्ड मिला है फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. नोबडी कैन कॉल हर विद अब्यूजिव नेम्स जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू रन देयर सरकार इन महाराष्ट्र. सो आई एम ग्लैड दैट शी इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज शी इज रिटर्निंग टू मुंबई ऑन 9th of September. मगर जो लोग कह रहे हैं कि बिकॉज कंगना को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए अब रिया को भी सिक्योरिटी मिले तो रिया को तो ऑलरेडी पुलिस पर्सनल मुंबई पुलिस सिक्योरिटी दे रहा है सिंस लास्ट फ्यू वीक्स जब से उसको अपने घर से डीआरडीओ ऑफिस जाना है या घर से बलार्ड एस्टेट जाना है उसको सिक्योरिटी मिल रही है. तो प्लीज डोंट कंपेयर रिया सिचुएशन विद कंगना सिचुएशन. कंगना वाज गेटिंग थ्रेटनिंग कॉल्स एज वेल एज ओपन थ्रेट्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. रिया चक्रवर्ती ऑब्वियसली इज बीइंग ट्रबल्ड बाय मीडिया ट्रायल एंड दैट इज व्हाई शी नीडेड सिक्योरिटी टू गो फ्रॉम द हाउस टिल द यू नो प्लेस ऑफ इंट्रोगेशन. ये मैटर एक बार रिजॉल्व हो जाएगा वंस वी नो वेदर शी इज गेटिंग अरेस्टेड फॉर गुड और वेदर शी इज प्रूवन नॉट गिल्टी. शी विल नॉट बी हाउंडेड बाय मीडिया बिकॉज मीडिया भी उसी चीज के पीछे जाता है जब तक उसको लगता है कि उस चीज के पीछे जाके उसको टीआरपी मिलती है. सो एवरीबॉडी इज डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बट वी फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड यू नो पीपल हु आर अफेक्टेड बाय सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ जस्ट वांट टू नो द ट्रुथ. जैसे सिमी गरेवाल ने बोला वी वांट टू नो द ट्रुथ अननेचुरल डेथ. नमस्ते जय हिंद. नमस्ते जय हिंद. नमस्ते जय हिंद.